विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण विद्यालय के बच्चे ही विद्यालय में करते हैं शिक्षक का काम। उच्च वर्ग के छात्रों को नीचे वर्ग के छात्रों को पढ़ाने व उनके देखरेख की होती है जिम्मेवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूँ आपके साथ अदिति मुस्कान। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बैरिया प्रखंड से है। जी हाँ, यह सच्चाई है उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुंजाहा गदियानी उर्दू की। रविवार को जब विद्यालय में ग्रामीण नईम गद्दी, अफरोज आलम, ताज मोहम्मद गद्दी, तूफान आलम, पिंटू आलम, आजाद आलम सहित दर्जनों ग्रामीण विद्यालय गए तो यह नज़ारा देखा। उन्होंने बताया कि विद्यालय में कुल 9 शिक्षक हैं, लेकिन कभी भी शिक्षक विद्यालय में समय से नहीं आते हैं। विद्यालय के शिक्षक आपस में तालमेल बैठाकर कई कई दिन विद्यालय से गायब रहते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इसके लिए कई बार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और शिक्षक तथा स्कूल की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। और शिक्षक अब्दुल समद जब विद्यालय लेट से पहुंचे तो उनसे विद्यालय लेट आने का कारण पूछा गया तो वह ग्रामीणों से उलझ पड़े और धक्का मुक्की करने लगे। श्रीमान ठाकुर ने विद्यालय की जांच करने पर ग्रामीणों के ऊपर केस करने की भी धमकी दी। ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानाध्यापक यह नहीं चाहते कि स्कूल की व्यवस्था सुधरे और उनकी खामियों को लोग जाने। अगर विद्यालय के शिक्षकों की आदत नहीं सुधरी तो स्कूल में अच्छी व्यवस्था के लिए विद्यालय में तालाबंदी की जाएगी। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक वलिष्ठ ठाकुर द्वारा कुछ भी कहने से इनकार किया गया। वहीं इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमान रजनीकांत प्रवीण से बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि जो टीचर इस तरह की हरकत किए हैं उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। अब देखना यह है कि शिक्षा के नाम पर इस तरह की लापरवाही करने वाले प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर कब तक कार्यवाही हो पाती है। बिहार के बेतिया से द क्राइम एक्सप्रेस के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। जो प्रिंसिपल साहब है अपना नाम बताने से लोग कर रहे हैं और घरों से बिल्कुल में ही हो रहे हैं, अलग भाग रहे हैं। इतना सत्य है घर बच्चे ये बताएंगे। सारा क्या रो रहा है सर? सारा क्या रो रहा है? हम भीज रहे हैं कहीं से, बाहर जा रहे हैं। कहाँ से? आज क्लास आपको नहीं लेना था क्या? नहीं लेना था, बारिश की वजह से। बारिश कितने बजे से हो रहा है भैया? बारिश तो जगदीश से कुछ हम भीजते आ रहे हैं। कहाँ से? जगदीश से। हो रहा है कितने बजे से बारिश? वहाँ पे 9 बजे से भीजते जगदीशपुर से। जगदीशपुर से यहाँ पे आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है सर? जगदीशपुर से बारिश नहीं, नहीं। अच्छा तो वहीं से भीजते आ रहे थे आपको, वहाँ से आने में यहाँ पर कितना समय लगता है? कितना समय लगता है समझिए ना, हम 9:30 से चले हैं। 9:30 से चले हैं, 11:30 हो रहा है, कितना टाइम लगता है आपको? विद्यालय में पहुँचना है तो 9:30 में आप घर से चलिएगा। वो भी जगदीशपुर से। मेरा बेटिया है, हम गए थे काम से सुबह। तो स्कूल को स्कूल में चिट्ठी दिए थे जा रहा है दूसरे जगह को? हम टाइम आपको